नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज और एक टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट टैब का जो ग्रुप है, पेजेस ग्रुप, टेबल ग्रुप एंड इलुस्ट्रेशन ग्रुप, इसका टूल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे ये टूल काम करता है उसके बारे में। नमस्कार, वेलकम टू आवर स्टेक चैनल ट्रिक्स एंड टिप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का ये जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसका इंसर्ट टैब, पेजेस ग्रुप, टेबल ग्रुप एंड इलुस्ट्रेशन ग्रुप हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा चैनल को बढ़ावा दीजिए, प्यार दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। ओके, शुरू करते हैं। तो पहला जो पेजेस ग्रुप का फर्स्ट टूल है कवर पेज। हम कवर पेज क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं कवर पेज को, देखिए कवर पेज इंसर्ट टैब आ गया। अभी कवर पेज को ड्रॉप डाउन मेनू हम क्लिक करने से वो ऑटोमेटेड कुछ है। कवर पेज कोई भी बुक हो, नोट्स हो, उसका जो सामने वाला पेज को हम बोलते हैं कवर पेज। उसको अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो प्री फॉर्मेटेड डिज़ाइन इधर कुछ है, उसको लेके सिर्फ हम डाटा एडिट करेंगे तो हो जाएगा। ओके, ये हुआ कवर पेज। देखिए हम इसको चाहते हैं, ये जो मोशन वाला कवर पेज का जो टेम्पलेट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए हमारा डॉक्यूमेंट में आ गया। अगर हम चाहेंगे ये डॉक्यूमेंट का नाम, ये जो टाइटल लिखा हुआ है इसको हम हटा सकते हैं, कुछ लिख करके हटा सकते हैं। एस टेक चैनल एसटेक चैनल, देखिए ऑटोमेटिक आ गया एसटेक। ये जो फॉर्मेट हुआ है, फॉर्मेट को हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद OCIT जो आ रहा है ये हमारा कंप्यूटर का नाम से आ रहा है, इसको भी हम हटा सकेंगे, उसको भी हम रीनेम, कुछ भी रीनेम कर सकेंगे हमारा डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत के हिसाब से। कंपनी नेम हम चेंज कर सकते हैं, देखिए डेट को पिक करके हम इधर रख सकते हैं। ओके, 18 जुलाई 2022 हो गया। तो हम ऐसे करेंगे। अगर हम ये चेंज करना चाहेंगे तो फिर हम कवर पेज को सिलेक्ट करेंगे, कवर पेज ड्रॉप डाउन को, कोई भी ये वाला ठीक है तो इसको हम क्लिक कर देंगे तो आ गया। जो हम एडिट किए थे वो डेट हो या चैनल का नाम हो, टाइटल हो, वो रहेगा, लेकिन डिजाइन थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसीलिए कवर पेज हम यूज़ करते हैं। अगर आप खुद करना चाहेंगे आपका डॉक्यूमेंट का कवर पेज, तो ये इसको हटाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, कवर पेज जो टूल है उसके साइट में जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसको आप क्लिक करेंगे और नीचे जो एक लिखा हुआ है रिमूव करेंट कवर पेज, उसको सिलेक्ट कर देने से ये कवर पेज हट जाएगा। ये है कवर पेज का काम। अभी आपको ब्लैंक पेज चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट में कंटेंट ज़्यादा है लेकिन आपके पास काम करते वक्त एक ही डॉक्यूमेंट है, ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कुछ लिख के उसके बाद और एक डॉक्यूमेंट में और कुछ लिखेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो हम रेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, देखिए कुछ
डॉक्यूमेंट आ गया। हम चाहते हैं ये जो दो तीन पारा को इस पेज में रखेंगे और ये जो दो पारा को हम क्या करेंगे और एक पेज में रखेंगे। तो हम कैसे इंसर्ट ब्लैंक पेज को जाएंगे, ब्लैंक पेज कर दिए, देखिए ये आ गया नीचे का जो ये भी आ गया। इससे पहले दो पेज था इसीलिए तीन पेज आ गया, ओके, और एक पेज ऐड हो गया। तो ऐसे हम ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। अगर इस टेबल को हम इस पारा को हम अगर चेंज करेंगे और एक ब्लैंक पेज में ये पैराग्राफ को, तो पैराग्राफ पहले आप क्लिक कीजिए, क्रसर को एक्टिव कीजिए, उसके बाद ब्लैंक पेज को क्लिक कीजिए, देखिए नीचे आ गया और एक ब्लैंक पेज, ओके। ऐसे करके आप ब्लैंक पेज यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे पेज ब्रेक, पेज ब्रेक दो पेज के बीच में जो है उसको ब्रेक करेंगे, पेज ब्रेक। तो रेंट वाला फॉर्मूला एंटर, हम चाहेंगे ये दो पैराग्राफ ऊपर रहे पेज ब्रेक के बाद और ये तीन पैराग्राफ, तो इधर हम सिलेक्ट की कर देंगे, थर्ड पैराग्राफ से पहले हम क्रसर को एक्टिव करेंगे, उसके बाद पेज ब्रेक को क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक एक ही बार। देखिए बिना कोई फॉर्मेट चेंज होके ये पेज इंसर्ट हो गया। उसके बाद फॉर्मेट जो हम चाहते थे तीन पैराग्राफ और एक पेज में आए तो ऑटोमेटिक आ गया, उसको हम इसी तरह से पेजेस ग्रुप का कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक को हम यूज कर सकते हैं टूल को, ओके। अभी आ गया टेबल, टेबल टेबल में देखिए इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, कुछ टेबल दिखा रहा है, ये आठ रॉ है, ये दस कलम है, दस कलम आठ रॉ। तो हम अगर इंसर्ट करना चाहेंगे किधर भी, जिधर हम टेबल को इंसर्ट करेंगे पहले सिलेक्ट करेंगे उसके बाद टेबल क्लिक करेंगे। अभी देखिए ऑटोमेटिक ये सेट हो जाता है, आपको कितना कलम चाहिए उसी हिसाब से कलम को सिलेक्ट कीजिए, आपको कितना रो चाहिए उसी हिसाब से आप रो को सिलेक्ट कीजिए और एक बार क्लिक कर दीजिए। अभी आपका आ गया टेबल, ओके। टेबल ऐसे हम इंसर्ट करते हैं। उसके बाद और एक तरीका है टेबल इंसर्ट करने का, अगर आपको कलम चाहिए 15 और रॉ चाहिए 15, तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे, इधर तो कलम 10 है और रॉ 8 है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे जो इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है जो टूल है उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए नंबर ऑफ कलम लिखा हुआ है, उसका नंबर आप टाइप कीजिए 15, रॉ भी टाइप कीजिए 15। अभी फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कॉलम का जो आकार है विड्थ है वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। अगर आपको ऑटो फिट कंटेंट चाहिए ऑटो फिट कंटेंट में आप टिक कर सकते हैं, अगर आपको ऑटो फिट विंडो चाहिए तो आप ऑटो फिट विंडो को रेडियो बटन को एक्टिव कर सकते हैं, ओके। लेकिन फिलहाल हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 15 कलम होगा और 15 रो होगा, ओके। इसीलिए कितना आसान है, देखिए टेबल इंसर्ट करना कितना आसान है।
आप अगर 10 कलम वाला चाहिए तो ऐसे माउस क्रशर से आप ले सकते हैं 8 ड्रॉ वाला, 10 कलम 8 ड्रॉ। इससे ज़्यादा अगर चाहिए तो आप इंसर्ट टेबल का जो टूल है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद भी आपको कुछ रह गया हो, कुछ ड्रॉ करना हो आपको टेबल में, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल के नीचे जो ड्रॉ टेबल लिखा है उस टूल को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपके हिसाब से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आप छोटा हो या बड़ा, टेबल का विड्थ, नया वाला टेबल आप इधर जोड़ सकते हैं। ओके, ये हुआ आपका टेबल का इंसर्ट टेबल ड्रॉ टेबल। अभी आ गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखिए टेक्स्ट मतलब ये सब टेक्स्ट है, अगर हम इसको टेबल के अंदर रखना चाहेंगे दो पैराग्राफ को अगर टेबल के अंदर रखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, टेबल। कभी कभी क्या होता है, हम जो फॉर्मेट करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, टेबल के अंदर लिखना चाहते हैं लेकिन हम भूल गए, टेबल पहले बनाने को भूल गए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपका जो ये नंबर ऑफ कलम 8, इधर कलम 1 है, नंबर ऑफ रॉ भी 2 है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम ये जो दो पैराग्राफ को टेबल के अंदर रखना चाहते हैं, इसीलिए हम पैराग्राफ पे एक्टिव करेंगे। देखिए पैराग्राफ एक्टिव करने से जो कलम 8 था वो क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, अभी हम ओके कर देंगे। देखिए दो टेबल के अंदर कंटेंट आ गया। ओके, वैसे भी हम क्या करेंगे, और दो काम सीखेंगे इधर। देखिए हम क्या करेंगे, कमाल कैलाश राम मोहन, अगर इस चार वर्ड को अगर हम क्या करेंगे टेबल के अंदर रखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेबल सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप अभी देखिए कमल कैलाश राम मोहन कितना आ गया, कलम 4 कलम, 1 2 3 4, पहले डिटेक्ट हो जाता है कितना कलम है कितना रो है। अगर ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेपरेट टेक्स्ट एड करके हम चेंज कर सकते हैं। अगर टैब सिलेक्ट है लेकिन टैब सिलेक्ट ना हो के पैराग्राफ अगर सिलेक्ट होता तो क्या होता, 1 1, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम चारों नाम को चारों टेबल से रखना चाहेंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अदर जाके ये जो हाइफ़न है हाइफ़न हटा देंगे, उसके बाद एक बार स्पेस टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। सॉरी टेबल आ गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये टैब के अंदर ही आएगा। अभी ओके, टैब के अंदर ही आएगा, स्पेस नहीं ले रहा है, टैब ले रहा है। ओके, अभी एक बार देखेंगे, कुछ भी सिंबल लगा के भी हम कर सकते हैं। देखिए एट द रेट राम के पास भी एट द रेट लगाएंगे, इधर भी एट द रेट लगाएंगे। अभी हम इसको चारों टेबल के अंदर रखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब टेबल ग्रुप, उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल,
अदर जाके इधर हम क्या टाइप करेंगे, एट द रेट। सॉरी एट द रेट नहीं ले रहा है, हाइफेन हाइफेन हाइफेन। ओके अभी शायद कोई फॉर्मेटिंग एरर होगा इसलिए एट द रेट नहीं ले रहा है। अभी हाइफेन लेके हम देखेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल अदर। अब इधर हम हाइफेन टाइप करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए ऐसे हम टेबल को, टेबल के टूल को देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कुछ सीख सकते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में और आ गया कोमा, आ गया कोमा, कोमा का काम भी देखेंगे। राजू कोमा सीलू कोमा मिलू, ओके सिलेक्ट करेंगे, टेबल जाएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल। अभी कोमा ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया है और ओके कर देंगे। देखिए तीन नाम तीन टेबल आ गया। ओके ऐसे हम टेबल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट अगर हम चाहते हैं कोई शीट इधर इंसर्ट करना तो हम क्या करेंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करेंगे। स्प्रेडशीट आ गया, कोई भी डाटा इधर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हमको नंबर चाहिए एक से 1000 तक तो हम ऐसे ड्रैग करके ले जाएंगे, काम कम आएगा। इधर अगर हम मंथ चाहते हैं जनवरी फेब्रुअरी मार्च तो हम इसको भी सिलेक्ट करके ले जाएंगे सितंबर तक। ओके और बाहर अगर क्लिक कर देंगे तो ये टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जुड़ गया। ऐसे करके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टेबल को भी इधर इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ओके उसके बाद आ गया क्विक टेबल, क्विक टेबल जो पहले से फॉर्मेटेड किया हुआ है पहले से। देखिए टेबल क्विक टेबल ग्रुप आ गया, ये कैलेंडर वाला, इसको भी आप ले सकते हैं। ओके ऐसे करके आप उसको ड्रैग करके आप रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ओके ये हुआ आपका टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप के अंदर आपने सीखा ड्रॉ टेबल, इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड क्विक टेबल, ये सब आपका टेबल ग्रुप का टूल है। ओके उससे पहले हमने क्या सीखा, पेजेस ग्रुप, इंसर्ट टेबल का पेजेस ग्रुप, कवर पेज। अगर कोई आप कुछ भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका जो कवर पेज आप इधर जाके इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हैं कवर पेज को। उसके बाद ब्लैंक पेज, कंटेंट ज़्यादा हो आपको, अगर नया ब्लैंक पेज चाहिए तो आप ये ब्लैंक पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज ब्रेक भी हमने सिखाया था, विदाउट फॉर्मेटिंग चेंजेस, कंटेंट का फॉर्मेटिंग चेंज ना हो के भी हम कोई डॉक्यूमेंट को, कोई कंटेंट को और एक पेज में अगर डालेंगे तो हम पेज ब्रेक यूज करेंगे। ओके अभी आ गया हमारा इलुस्ट्रेशन ग्रुप, इलुस्ट्रेशन ग्रुप। देखिए इलुस्ट्रेशन ग्रुप में हम
पाएंगे पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट। अभी हम क्या करेंगे, पिक्चर देखेंगे, उसके बाद शेप देखेंगे। ऑनलाइन पिक्चर बाद में देखेंगे, ओके। स्मार्ट आर्ट देखेंगे, चार्ट देखेंगे और स्क्रीनशॉट भी देखेंगे, ओके। अभी हम और एक पेज ले रहे हैं। नया पेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एन टाइप करने से आपका नया पेज आ जाता है, ओके। इंसर्ट टैब, पिक्चर, कोई भी पिक्चर, अगर ये पिक्चर आपको ठीक लगे तो ये पिक्चर ले रही है, उसको छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। उसका जो पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं, पोजीशन, ओके। उसको हम ड्रा करके भी किधर, अगर पोजीशन का फॉर्मेटिंग आपने यूज किए हैं उसके बाद आप ड्रा करके नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पोजीशन का फॉर्मेट एक्टिव हो गया है। इसलिए अगर आपको फॉर्मेटिंग के थ्रू रखना चाहेंगे तो पोजीशन टूल यूज कर सकते हैं, नहीं तो पहले हम जैसे कर रहे थे आप इसको छोटा या बड़ा कर सकेंगे। देखिए बड़ा हो गया, अभी ये वाला भी छोटा हो सकता है, इस साइड से भी आप छोटा कर सकते हैं, ओके। ये हुआ आपका पिक्चर, पहले इंसर्ट, इंसर्ट बाद पिक्चर, पिक्चर का फाइल लोकेशन आप देखिए आप किधर रखें। ये जो पिक्चर है, पिक्चर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पिक्चर में, अगर डेस्कटॉप का कोई चाहिए पिक्चर तो हम डेस्कटॉप में सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पिक्चर देखें कौन से पिक्चर, अमेजिंग ये वाला पिक्चर, इंडेक्स वाला पिक्चर हो या अभी ये वाला पिक्चर, इसको भी हम ले सकेंगे, ओके। ये हुआ हमारा इंसर्ट टैब का इलस्ट्रेशन ग्रुप का पिक्चर वाला टूल। पिक्चर फ्रॉम फाइल, हम फाइल से कैसे पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कर सकेंगे, वो वाला ट्रिक यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद आया शेप, अगर डॉक्यूमेंट में, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अगर डॉक्यूमेंट में कोई शेप चाहिए तो आप स्माइल वाला शेप सिलेक्ट कर दिए, ये जो प्लस वाला सिंबल आ गया उसके बाद लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके ड्रैग कर दीजिए, वो स्माइल वाला जितना बड़ा चाहिए उतना ज़्यादा ड्रैग करके ले जाइए, माउस को बड़ा हो गया। उसके बाद इसको आप चाहे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, देखिए नहीं तो ये वाला भी हो जाएगा, आउटलाइन कलर रेड, ओके। ये हुआ आपका इंसर्ट वाला शेप। तो अगर इसको आप चेंज करेंगे तो इधर आप इंसर्ट शेप को जाइए, उसके बाद इधर एडिट शेप, चेंज शेप, ये शेप कर दीजिए, ओके। ये जो एक्स्ट्रा जो आ गया, ये जो टैब, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्चुअल टैब। ये टैब को हम बाद में सीखेंगे, टेबल, शेप और पिक्चर में हम बाद में सीखेंगे ये कॉन्टेक्चुअल टैब। पहले फिलहाल हम सीखेंगे कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी शेप इंसर्ट कर पाएंगे, वो वाला कोई भी शेप। देखिए ये वाला शेप आपके ज़रूरत के हिसाब से आप शेप ले सकेंगे, उसके बाद उसको फॉर्मेटिंग कर सकेंगे फॉर्मेट टैब से, ओके। ये हुआ इंसर्ट टैब का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का इंसर्ट टैब, उसका इलस्ट्रेशन ग्रुप।
अभी आ गया स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, इसको बोलते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, लिखा हुआ है इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, कोई देखते ही जान जाएगा इस पिक्चर में क्या है। ओके, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स रेंज फ्रॉम ग्राफिकल लिस्ट प्रोसेस डायग्राम, विभिन्न प्रकार का ग्राफिक्स इधर है, अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हम देख पाएंगे ग्राफिक्स। देखिए ऑल लिस्ट प्रोसेस साइकिल, अगर आप रिलेशनशिप को देखना चाहेंगे तो ये देखिए रिलेशनशिप वाला, ये देखिए रिलेशनशिप। ओके, इसको अगर इधर आपका डैडी का नाम हो, इधर मम्मी का नाम हो, तो आप एक भाई एक बहन, वो वाला रिलेशन ये हो गया ट्रायंगुलर फैमिली रिलेशन वाला स्मार्ट आर्ट। इसको आप कलर कर सकते हो, फॉर्मेट टॉप जाके कुछ भी कलर कर सकते हो, मम्मी का जो ट्रायंगुलर कलर है उसको भी चेंज कर सकते हो। ओके, और आपका आप अगर गुस्से वाला हो तो थोड़ा रेड वाला, कोई बहन हो तो उसको येलो वाला। देखिए इधर नाम होगा डैडी का नाम, इधर मम्मी का नाम, इधर आपका हो या इधर कोई भाई हो या बहन का नाम, तो ये हुआ आपका फैमिली रिलेशनशिप वाला क्या रिलेशनशिप वाला ग्राफिक्स। ओके, वैसे तरह आप साइकिल वाला ग्राफिक, कोई प्रोसेस वाला, लिस्ट वाला, मैट्रिक्स वाला, ओके, पिरामिड वाला और पिक्चर वाला आप ले सकते हैं, उसको हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स बोलते हैं। उसका काम भी आपको हमने बता दिए, एक एग्जांपल भी आपको करके दिखाएं। आप बाकी जो है, बाकी जो टाइप है आपका स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का, वो वाला आप खुद प्रैक्टिस करिए तो आपको मज़ा आएगा, सीखने में कुछ मज़ा आएगा। ओके, इसीलिए हम एक ही आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अभी आपका काम है, आप हम जैसे कर रहे थे इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को, वैसे आप क्या करेंगे, लिस्ट का भी देखेंगे, प्रोसेस का भी देखेंगे, साइकिल का भी, जो सब है उसको देखने से आपका जो टेक्निक और ट्रिक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का वो आ जाएगा। ओके, उसके बाद आया चार्ट, वो खाने वाला चार्ट नहीं, आप कुछ मेक इट इजी टू स्पॉट पैटर्न एंड ट्रेन टू योर डाटा इंसर्टिंग ए बार एरिया। अगर कोई डाटा को आप पिक्चर से और चार्ट से दिखाना चाहेंगे तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं, चार्ट लाइन वाला दिखा सकते हैं, पाई वाला दिखा सकते हैं। देखिए हम पाई चार्ट यूज करेंगे। ओके, पाई चार्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया, क्योंकि डाटा एक्सेल में है। फर्स्ट क्वार्टर में कितना सेल हुआ, सेकेंड क्वार्टर में कितना सेल हुआ, थर्ड क्वार्टर में कितना सेल हुआ, फोर्थ क्वार्टर में कितना सेल हुआ, ये जो क्वार्टर थ्री मंथ का हम सेल ना देख के और कुछ दे सकते हैं, कितना स्पेंट हुआ मनी, कितना स्पेंट हुआ, हम वो भी इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे SPENT स्पेंट, देखिए सेल की जगह स्पेंट आ जाएगा, स्पेंट आ गया। 8.2 के जगह हम 1300 कर देंगे। उसके बाद इसको हम करेंगे 2500, उसके बाद हम इसको करेंगे 1500, उसके बाद हम करेंगे 3000। ओके, देखिए ये जो पाई चार्ट है कितना बदल गया है, फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर
ये जो डाटा को भी हम रीनेम कर सकते हैं। अगर हम इसको क्रेडिट करेंगे क्रेडिट, तो हम किसको क्रेडिट दिए थे वो वाला नाम भी हम इधर चेंज कर सकेंगे। देखिए लीटू अभी आ गया, फर्स्ट क्वार्टर में लीटू, सेकेंड क्वार्टर में सोनू, थर्ड क्वार्टर में राजू, फोर्थ क्वार्टर में मीलू। देखिए वो टोटल चेंज हो गया, फोर्थ क्वार्टर चेंज हो गया, तो नाम भी चेंज हो गया। उसके बाद आपका जो डाटा लेवल जो दिए थे आप वो भी चेंज हो गया। तो वैसे करके आप चार्ट को यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट विभिन्न प्रकार का पाई चार्ट का डेमो आप सामने है, जो चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार का स्टाइल इधर है, तो आप देख सकेंगे जो आपको अच्छा लगेगा वो वाला आप सिलेक्ट करके रख सकते। ये सिर्फ पाई चार्ट नहीं है, सिर्फ पाई चार्ट नहीं, अगर इस चार्ट को आप और एक चार्ट में दिखाएंगे, और एक चार्ट में दिखाएंगे, तो आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मेट में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोई भी चार्ट कलम वाला चार्ट कीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए, वो वाला डाटा रहेगा लेकिन आपका स्टाइल जो चार्ट का जो स्टाइल था वो वाला चेंज हो जाएगा। देखिए वो डिजाइन भी चेंज हो गया, इधर डिफरेंट टाइप का आपका चार्ट का डिजाइन है, चेंज कलर, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं चार्ट का, चेंज भी कर सकते हैं कलर। तो फिर आपको ये वाला चार्ट अच्छा नहीं लगा तो आप क्या करेंगे, और एक चार्ट इंसर्ट टैब जाइए, चार्ट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद लाइन वाला चार्ट, ओके लाइन वाला चार्ट हो गया। तो इसी तरह लाइन वाला चार्ट का भी विभिन्न प्रकार का स्टाइल होगा, तो हम कहाँ पाएंगे, डिजाइन टैब, जो कॉन्टेक्चुअल टैब है डिजाइन वाला टैब, यहाँ पाएंगे, जिसको आप ठीक लगेगा वो वाला सिलेक्ट कीजिए और आपका डॉक्यूमेंट में सेव किया कर दीजिए। ऐसे होता है आपका चार्ट। फिर स्क्रीनशॉट, कोई आजकल तो स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही होता है, टैबलेट में भी होता है, लैपटॉप में भी, टचेबल वाला मॉनिटर में भी होता है, लेकिन अगर कोई स्क्रीनशॉट फैसिलिटी नहीं है तो हम इस टूल के माध्यम से वो वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट यहाँ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखिए दो स्क्रीन पहले से खुला हुआ है इसीलिए वो वाला दिखा रहा है, अगर नहीं तो स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे सॉरी आप किधर भी, आपको अगर ये वाला चाहिए ठीक है, ड्रैग कर देंगे वो वाला यहाँ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, ये को इसको हम सिलेक्ट करके ले जाएंगे। उसके बाद आप अभी रुकिए थोड़ा, फॉर्मेटिंग एरर दिखा रहा है, स्क्रीन क्लिपिंग ये वाला
हम ले सकते हैं। अभी हो गया, ओके, स्क्रीन शॉट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर हम सीखेंगे इंसर्ट टैब का लिंक्स, कमेंट, हेडर, फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल एक ही वीडियो में। फिलहाल इतना ही, थैंक यू। जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। थैंक यू।